सादर प्रणाम, मैं हूं आपका नवीन गांव बसर के साथ। गांव बसर जहां पे हम बातें करते हैं, कुछ यादें ताज़ा करते हैं गांव की। तो वैसे ही आज हम पूछेंगे एक पहेली, पुरानी चीज़ को ताज़ा करेंगे। उससे पहले कुछ बात मौसम की। पतझड़ का मौसम है तो चार लाइनें पतझड़ पे। पत्तियां कुचलना पतझड़ की, सबको बचकाना लगता है। पत्तियां कुचलना पतझड़ की, सबको बचकाना लगता है। जान थी ये किसी पेड़ की, कदमों ने नहीं जाना लगता है। बारिश है पत्तों की या झरझर आंसू बरस रहे, एक डाल के ऐसे बिछड़े, एक डाल के ऐसे बिछड़े, मिलने को सब तरस रहे। तो फिर से आपका स्वागत है गांव बसर की इस कार्यक्रम में। आपको बूझनी है यह पहेली। जाड़े का मौसम हमारे द्वार पर दस्तक दे चुका है। रजाई, तोशक, तकिया, कंबल, अंगीठियां, ये सब तैयार हैं जाड़े का सामना करने के लिए। इसी क्रम में एक आज की पहेली का जो सब्जेक्ट है, इसी केंद्र बिंदु पर आधारित है। जाड़े में इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। जब घर के चूल्हे के दोनों मुख व्यस्त होते थे और ज़रूरत पड़ती थी एक चलायमान और चिर स्थिर जलने वाले चूल्हे की, तब घर की आजी, चाची, काकी, माई के हाथ फड़क उठते थे सृजन में। वे ममता भरकर माटी को खोदकर, उसे जल में सान कर, उसको भूसे से तान कर, गगरी रूपी सांचे पे गढ़ दिया करती थी। गीली वह हवा में नमी को विसर्जित कर, मारतंड के ताप को सोख कर सख्त हुआ करती थी। बनकर आत्मनिर्भर सांचे को कहती थी अलविदा। दुधड़ में दूध औटाना हो, जाड़े में ठंड को गरमाना हो, कभी खटिए के नीचे, कभी आंगन के बीच में, हर मौसम सालों साल साथ निभाती वह। भीगने से भय खाती उपला, लकड़ी, कंडे, अलियार, खरपतवार भरकर मध्यम मध्यम सुलगती हुई वह। बताइए वह कौन है? तो आशा है कि आपने अभी तक पहेली का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो आइए मिलाते हैं। इसका सही उत्तर है बोरसी। बोरसी को अलग अलग जगहों पे अलग शब्दों में जाना जाता है। कहीं पे बरोसी भी बोलते हैं। इस बरोसी शब्द का बहुत ही सार्थक मतलब निकाला जाए तो भरोसी भी बोल सकते हैं इसको। बहुत ही भरोसेमंद है। अगर बोरसी से जुड़ी हुई आपकी कुछ यादें हों तो उनको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ ज़रूर साझा करें। साथ ही आपके पास कोई ऐसा विषय हो जो गाँव बसर में सम्मिलित हो सकता है तो ज़रूर लिखें। तो आशा है कि आपको गांव बसर का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपना आशीर्वाद बनाए रखें।